ठीक है दोस्त, चलो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूले आप लोगों ने सब रिवाइज किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं। द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/3x² की होल पावर 10, इसका सिक्स टर्म क्या होगा जल्दी से बता दो भैया। वो डोर लगा लो। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बी होगा। देख लो भाई, चेक कर लो, जल्दी से देख लो फटाफट सब लोग। मिस्टर यादवेंद्र कह रहे हैं कि बी वाला ऑप्शन ठीक होगा इसका। बाकी आप लोग बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी। देखिए बी ही होगा, एनथ टर्म का फॉर्मूला तो पता है ना, सॉरी टी आर प्लस एनथ टर्म का फॉर्मूला तो पता है ना। टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या होता है भैया? माइनस वन टू द पावर आर कर दो अगर एक्स माइनस ए का एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर हम, तो एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर क्या होता भैया? ये है ना, ये फार्मूला है, यही लगाना है इसमें। एक्स के प्लेस पे क्या रखना है आपको? टू एक्स स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या रखना है आपको? माइनस वन अपॉन सॉरी वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन की पावर आर तो हमने पहले ही कर लिया है। अगर सिक्स टर्म की बात हो रही है तो आर के प्लेस पे अपने को क्या रखना है? फाइव रखना है ना, क्योंकि टी आर प्लस वन टर्म है ये। तो सिक्स टर्म को आप क्या लिखते? टी फाइव प्लस वन लिखते ना, टी फाइव प्लस वन लिखेंगे। तो जहां जहां आर है वहां फाइव रखना है, जहां जहां एन है वहां क्या रखना है आपको? टेन रखना है। जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट, देखो क्या आएगा बताइए सॉल्व करके। तो माइनस वन की पावर फाइव करोगे, ऑड करोगे तो माइनस साइन ही आएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन ये दोनों तो है नहीं, या तो बी सही है या तो डी सही है। अगर हम गेस करते, गेस भी करेंगे तो 50% चांस है इन दोनों ऑप्शन के सही होने के। कैलकुलेशन कर लेंगे तो एकदम श्योर हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो माइनस वन तो आएगा दोस्त, माइनस साइन आएगा। टेन सी फाइव को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ आएगा टेन सी फाइव और यहाँ आएगा एक्स टू द पावर का मतलब क्या है? टू एक्स की पावर, टू एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा दोस्त? फाइव ही आएगा। और यहाँ ए क्या है मतलब वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा भाई? फाइव होगा। देखिए एक्स स्क्वायर की फाइव यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स को छोड़ो। यहाँ टू की पावर क्या होगा? फाइव होगा। यहाँ थ्री की पावर क्या आएगा? फाइव आएगा तुम्हारा, नहीं टू पी स्क्वायर नहीं, केवल एक्स पी स्क्वायर है ना, टू की पावर फाइव होगा। टेन सी फाइव की वैल्यू कितनी होगी? 250 निकाल लोगे ना ये, तो माइनस का 252 इंटू टू की पावर फाइव की वैल्यू क्या होती है दोस्त? 32। और थ्री की पावर फाइव की वैल्यू कितनी होगी? 243, क्योंकि वो तो होता है ना 4 पे 81 होता है। अब इसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, या जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो रहा है दोनों में देख लीजिए। ये 3 से कटेगा ना, ये भी 3 से कटेगा, काटो इन दोनों को देखो क्या आएगा। हमने कहा कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक होनी चाहिए, तो 3 से करोगे तो ये तो 81 आ गया, इसको करोगे कितना आएगा? 3 8 जा 10 3 4 जा 12 3 8 जा 10। और कुछ कैंसिल होगा क्या? अभी भी 3 से कटेगा, क्या होगा फिर? थ्री टू जा सिक्स, थ्री एट जा दिस, यहाँ कितना आ गया? 27। अब कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 27, तो बेस में 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो और टू जा एट टू जा 16 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही आएगा सर। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे तो करेंगे, कैलकुलेशन अपनी ठीक रखो, बाकी आपको फार्मूला याद हो आप कर ले जाएंगे, तो दिक्कत। चलो भैया इसमें आ जाओ। इफ एन इज इवन, इवन आउट का कॉन्सेप्ट हमने बताया, सब डिस्कस किया। इफ एन इज इवन देन द मिडिल टर्म देन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? समझ आ रहा है? अगर एन इवन था तो क्या था? तो ये है, देन एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है ये बताना है अपने को। जल्दी से करिए फटाफट, चलिए x की पावर ले लो जो भी है, देख लो अपना जैसे भी कर सकते हो करो उसको। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अनुराग पढ़े हो ना ये सब, नहीं याद है क्या? चलिए मैं कराता हूं।
जिनको आ रहा है वो जल्दी से कर लें। कर लिया सॉल्व यार भाई, इंतजार किस बात का है, इनविटेशन देना पड़ेगा तुझे। तो लिखा है एक्सपेंशन में वो क्या है टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल पावर क्या है एन है, और एन इसमें इवन है ये बताया जा रहा है, एन क्या है इवन है, एन इवन बताया जा रहा है, और इसका मिडिल टर्म दिया है इसमें, इसका मिडिल टर्म दिया है आपको 924 एक्स टू द पावर 6 दिया है, क्वेश्चन है आपके पास, बस मैं लिख दे रहा हूं। तो एन की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, आपको पता होगा अगर एन आपका इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होता था तुम्हारा है? एन बाई टू प्लस वन, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला मतलब टी आर प्लस वन से लिख दो इसका, मिडिल टर्म जो होगा हमारा वो होगा एन बाई टू प्लस वन। अब टी आर प्लस वन के एक्सपेंशन में जहां जहां फॉर्मूले में आर आता था वहां क्या लिखोगे तुम, एन बाई टू लिखोगे, तो क्या बनेगा यहां से एन सी एन बाई टू जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस आर होता है, एन में से एन बाई टू को माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्त, एन बाई टू ही तो आ जाएगा, एक्स की प्लेस में एक्स स्क्वायर है ये भी ध्यान रखना, तो मैं सीधे एन लिख दूं क्या, बात हमारी समझ पा रहे हो कैसे? अनुराग इस भाव से देख रहा है कि क्या ही लिख रहे हैं, ठीक है ना? देख भाई एक्स की पावर एन बाई टू आएगा तो ये टू से टू में कैंसिल होने की बात कर रहा था, ए के प्लेस में क्या है हाँ वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स की पावर क्या होगा यहाँ फिर आर होता है, आर क्या है एन बाई दिस ऑल इक्वल टू कितना दिया है आपको 924 एक्स टू द पावर क्या है 6, एन की वैल्यू अपने को बतानी है, तो बताइए यादवेंद्र आ गया कब का, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ एक्स की पावर 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसे अपने कैंसिल करेंगे, कैलकुलेशन हमने कहा बहुत ठीक होनी चाहिए तभी बात मत देंगे, इनका कैलकुलेशन में कमांड नहीं है वो परेशान हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दो x की पावर n है, यहाँ 1 अपॉन x की पावर n बाई 2 आएगा, तो क्या होगा यहाँ x की पावर n बचा, नीचे x की पावर n बाई 2 है, ये n बाई 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर में माइनस हो जाएगा ना, तो x की पावर n बाई 2 ही तो बचेगा, यहाँ x की पावर n बाई 2 बचेगा, वहां x की पावर 6 है, नंबर्स तो नो डाउट बराबर आएगा जो कोफिशियंट है, लेकिन पावर भी तो सेम आना चाहिए तभी तो दोनों इक्वेट होंगे भाई, सब कुछ सेम आना चाहिए ना, यहाँ एक्स की पावर एन बाई टू, यहाँ एक्स की पावर 6 है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 2 12 आ जाएगा ना, लिख लो मैं लिखता हूँ, कैलकुलेशन में कमांड होनी चाहिए दोस्त, यहाँ आ जाएगा एन बाई टू टॉल इक्वल टू 924 एक्स की पावर क्या हो गया ये 6 हो गया, अब ये कोफिशियंट तो नो डाउट बराबर आएगा, x की पावर भी तो सेम आनी चाहिए, यहाँ x की पावर n बाई टू, यहाँ x की पावर 6 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये फिर n बाई टू इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा क्या 12 जैसा कोई ऑप्शन दिया है तुम्हें, दिया है तो उसे ले लो भैया, तो बी वाला ऑप्शन इसका एकदम ठीक हो जाएगा, किसी को कोई टेंशन हो तो बताओ हो जाएगा सॉल्व, तुम कॉपी पेन बिना निकाले ऐसे बैठो भैया पार्क में आए हो, तुम अजीब बात करते हो यार, इसमें तेरा घाटा मेरा जो करा रहा हूं करो, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं क्या, मुझे एग्जाम देना है, प्रैक्टिस कर बेटा, कॉपी पेन निकालो, जितना कॉपी पेन अपना यूज करो वो इतनी ही ज्यादा आएगी ये सब कमांड, ये बात समझ में आ गया क्या क्या था, हर चीज हो गया, तो बी वाला ऑप्शन एकदम इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया।
ये वाला ऑप्शन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए, किया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमने क्या कहा था, एक्स से इंडिपेंडेंट होने का मतलब एक्स की पावर क्या होगी, यहां पर एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म आने का मतलब क्या है, एक्स उसमें नहीं होगा, एक्स नहीं होगा तो इसका मतलब जो भी वेरिएबल है एक्स है तो एक्स की पावर क्या आएगा, यहां पर जीरो आएगा। तो भैया ले लो इसको, करो क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। आयुष क्या बात है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए आप लोग। यह है 2 बाई थ्री एक्स माइनस का 3 बाई टू एक्स होल पावर एन है, ये एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म की बात हो रही है तो आर प्लस वन टर्म ही हमेशा माना जाएगा। मान लेते हैं कौन सा टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है, आर प्लस वन टर्म, तो आर प्लस वन टर्म का फॉर्मा क्या है, टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस है तो माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर क्या है आर है, ये है ना। तो अब देखो एक्स और ए के प्लेस पे क्या है, वैल्यू रखो, एक्स से इंडिपेंडेंट है, एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स की पावर क्या है दोस्त, जीरो है। तो जो भी यहाँ एक्स की पावर आएगा उसको इक्वल टू में जीरो कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या आर की वैल्यू निकाल लेंगे पता चल जाएगा कौन सा टर्म है, निकालो जल्दी से। तो हमें कोफिशियंट नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर वाले टर्म ही केवल लिखा जाए, कोफिशियंट लिखने की जरूरत है क्या हमें, कोफिशियंट लिख के बार बार अपना कैलकुलेशन लेंदी ना बनाओ, केवल हमें पावर चाहिए तो पावर लो। एक्स के प्लेस पे अपने को क्या रखना है, यहाँ एक्स ही है, टू बाई थ्री छोड़ो क्योंकि कोफिशियंट हमें नहीं चाहिए, केवल पावर चाहिए। तो एक्स की पावर एन माइनस आर करेंगे, ये एन माइनस आर ही रहेगा, एन के प्लेस पे बेसिकली हमें एन ही लिखना है, ठीक है ना। यही है फोर्थ टर्म इन दिस, फोर्थ टर्म की बात हो रही है दोस्त, यहां ध्यान रखना फोर्थ टर्म की बात हो रही है। अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है इसका मतलब हम इसको क्या लिखते हैं, थ्री प्लस वन लिखते कि नहीं, तो आर के प्लेस में अपने को क्या लिखना है, थ्री रखना है। तो यहां एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री आएगा, एन माइनस थ्री आएगा, बेसिकली क्या आएगा, एन माइनस थ्री। और यहां क्या है, वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स है, तो वन अपॉन एक्स की पावर क्या होगा, आर होता है, तो वन अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, आर का मतलब कितना है, थ्री है, एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वहां एक्स की पावर क्या है, जीरो होगा, एक्स से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, एक्स की पावर क्या होगा, जीरो होगा, इक्वेट कर रहा है इसको। अब ये थ्री ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा उसमें, तो एन टू द पावर माइनस का सिक्स हो गया, या मतलब एक्स टू द पावर एन माइनस सिक्स आएगा, एन माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेसिकली सिक्स आ गया, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेसिकली सिक्स आएगा। एन की वैल्यू ही पूछा जा रहा था आपसे, बी वाला ऑप्शन एकदम आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या आपने डोर ओपन रखता है, आयुष उसको लगा कराओ, ये बी वाला ऑप्शन एकदम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ मारिए ना, जहां जितने की जरूरत है उतना ही उठाओ, अननेसेसरी नंबर्स ले लेंगे तो कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा, एक स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करो। जहां कोफिशियंट की बात होगी हम पावर्स को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, जहां वैल्यूज निकालनी होंगी जो चाहिए बस उतना ही लेंगे। ओके डन, ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फिर भी मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ, बस डन, आगे बढ़े, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कोफिशियंट ऑफ सेवंथ टर्म एन थर्टीन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स पावर एन आर इक्वल, देन एन इज इक्वल टू सेवंथ टर्म एंड थर्टींथ टर्म। तो जो एक्स की पावर है, जानते हो नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, या ले लो जो भी बनाओ इसमें तुम, तो करो इसको जरा, तुम लोग देखिए कैसे करते हो। ये फोर्थ क्वेश्चन आप लोग करिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एनडीए में भी किए थे खूब सारे,
जो टर्म लिखा है वो है वन प्लस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस एक्स टू द पावर एन। इसके इस फंक्शन की बात हो रही है, सेवंथ टर्म जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ सेवंथ टर्म इक्वल टू क्या है, कोफिशियंट ऑफ थर्टीन। ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, कर लो। कोफिशियंट का मतलब हमें पावर वगैरह नहीं, बस कोफिशियंट देखने हैं। ये वन प्लस एक्स टू पावर एन के हमने कई फॉर्मेट आपको बताए थे एक्सपेंशन के, याद है कौन कौन से फॉर्मेट बताए थे अनुराग, याद है तुम्हें? नहीं याद है दोस्त, देखो यार पहला फॉर्मेट क्या था, याद दिला रहा हूं। एक तो हमने लिखवाया था वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, अपॉन में क्या था ये, ये इनटू का एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, और एक्स का क्या था क्यूब था एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। दूसरा फॉर्मेट इसका हमने क्या बताया था, एक था तुम्हारा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जो चीज यहां नोटिस करनी थी वो क्या है, जब हम सेकेंड टर्म है तो एन सी वन है, जब हम फोर्थ टर्म में है थर्ड टर्म में है तो एन सी टू, जब फोर्थ टर्म में है तो एन सी, इस तरह से जब यहां सेवंथ टर्म की बात हो रही है तो आप क्या लिखते, क्लियर हो रही है बात हमारी, इसको आप लिखते कोफिशियंट की बात कर रहे हैं, बस पावर छोड़ो एन सी सिक्स, इसको क्या लिखते आप 13 टर्म को एन सी। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके एन निकालना है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां एन सी सिक्स का मतलब क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस सिक्स का फैक्टोरियल। इसी करोगे ये भी हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन ट्वेल्व फैक्टोरियल एन माइनस ट्वेल्व का फैक्टोरियल। अब इन्हीं को सॉल्व करके एन निकालना है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, आप लोग समझदार तो है ही, अब इतना तो कर ही लेंगे, जल्दी से बताएं। देखिए एन क्या आएगा, बताएं बताएं जल्दी से क्या आएगा, ज्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तो तुम्हारी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी और हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में धीरे धीरे सेट भी हो जाएगा। ओके बहुत बढ़िया, इट इज बेटर देन मिस्टर मिसेस लेट या मिस लेट। हमने कहा था रिलेटिवली देखना है, किसको एक्सपेंड करना है किसको नहीं, ये हमें देख कर डिसाइड करना है। ओके जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को हमेशा आंसर आ जाएगा वो बताएगा जल्दी।
आया। या सर कुछ नहीं आया। क्यों अनुराग कितना आया? आप देखो यही समझाना है। आप देखो यही लग गए ना, जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। क्या क्या इसमें कैंसिल होता है तुम्हारा? एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये तो होगा ना क्लियर। आप देखो यहाँ 6 फैक्टोरियल बच रहा है, यहाँ एन माइनस 6, वहां 10 फैक्टोरियल है, वहां एन माइनस 12। इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें से नंबर लिखो कौन सा ऑप्शन यूज करने पे दोनों साइड इक्वल आ जा रहे हैं। ये देखो अगर एन के प्लेस पे हमने 10 यूज किया तो यहाँ 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4 आएगा। वहां कितना होगा? 12 है। और वहां क्या होगा? 10 माइनस 12 नेगेटिव, फैक्टोरियल जाते हो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो भी एन की वैल्यू आएगी 12 से बड़ी आनी चाहिए, नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइन तो है नहीं, तो या तो 15, 18, 20 में से कुछ होगा, चेक करते हैं। अगर हम 15 लेते हैं तो यहाँ कितना आता? 9 आता, यहाँ 6, वहां कितना आता? 12 और नहीं 18 को उठाओ तो कितना होगा? 18 लेंगे 6 और 12, और यहाँ भी क्या आएगा? 12 और 6, दोनों इक्वल आएगा कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा? तो जो यहाँ से हमने सीखा वो ये कि हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं ऑप्शंस की वैल्यूज को पुट करके चेक कर लेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करके वहां से निकल जाएंगे। ये सब एकेडमिक अप्रोच में नहीं चलेंगे, बट जब कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो वहां पर ये चीजें आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से करके निकल जाएंगे। हर बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, यही सब अप्रोच आपको अडॉप्ट करने हैं तो आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाएगा। जैसे कि एनडीए की क्लासेस में भी हमने बताया कि कैसे करना है, यही सीखना होता है। प्रिपरेशन का मतलब बस इतना है ही है, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ भी ऐसा नहीं आ जाएगा जो तुम नहीं जानते। बस स्मार्ट कैलकुलेशन सीख लो, और कैलकुलेशन अगर लेंदी है तो उसको कैसे डील करना है, बस ये दैट्स ऑल। समझ गए ना? जैसे हमने कहा अगर कोफिशियंट की बात कर रहा है केवल कोफिशियंट लेना है, पावर क्या रहा है डजंट मैटर, इग्नोर करो। अगर हमें नंबर्स निकालना है, पावर की बात हो रही है तो केवल पावर लेंगे, कोफिशियंट क्या रहा है डजंट मैटर, उसको क्या करो इग्नोर करो। क्या जरूरी है वो सेलेक्ट करो, बस उसी पे वर्क करना है अपने को। तो बच्चे क्या होता है एकदम एकेडमिक अप्रोच के साथ चलते हैं, पूरे डेटा पूरे नंबर्स देखते हैं तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, हो सकता है 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें तुम 2, 4, 10, 20 ही कर पाओ अपने कैलकुलेशन वाली हैबिट की वजह से। समझ गए ना? तो ये स्मार्ट अप्रोच ये आपको लेकर चलनी है। ये बात समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा एकदम रखकर हमने देख लिया, डन। चलिए आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। C0 Cr C1 Cr+1, इसको ऐसे डेटा भी याद रखना तुम। अच्छा इसको एक दो स्टेप तक सॉल्व करके देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा। कोई एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेना, ये समझ में आएगा कि ये है क्या। C0 Cr C1 Cr+1 C2 Cr+2, और ऐसे करके दिया है, लास्ट तक दिया है Cn-rCn=, किसके इक्वल आएगा ये बताना है। कोई एक दो स्टेप पहले सॉल्व करना है स्टार्टिंग का। अब तुम पूछोगे इसको पूछा नंबर नहीं लिखा है, तो नंबर जब कहीं कुछ नहीं लिखा रहा है तो उसको एन मानकर चलना, हमेशा क्या मानिएगा एन टर्म तक लिखा गया, इसका मतलब ऊपर क्या लिखा है एन, नीचे जो लिखा है वही लेना है, बाकी ऊपर हमेशा क्या मानना है, ये लिखने की इनके अपनी स्टाइल है अपनी मैनर है, एन मानना। कभी कभी क्या होगा एक्सपेंशन में कुछ पावर दिया होगा, जैसे मान लो कुछ एक्सपेंशन था इसके पहले, मान लो जैसे ये दिया है एक्सपेंशन तुम्हारा 1/2, यहाँ एक्सपेंशन में पावर क्या दिया था 10 दिया था, जैसे यहाँ पावर क्या दिया है 10। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है ये दिया है और फिर इस तरह का फॉर्मेट लिखा है तो हर जगह सी के ऊपर क्या है 10 है, और कुछ नहीं लिखा है एन टर्म तक लिखा गया है तो इसका मतलब सी के ऊपर क्या है हमेशा एन, ये दिमाग में रखना। मतलब पहला वाला टर्म क्या है तुम्हारा एन सी जीरो एन सी आर, दूसरा क्या है एन सी वन एन सी आर प्लस वन, तीसरा क्या है एन सी टू एन सी आर प्लस टू, और लास्ट में क्या है तुम्हारा एन सी आर या एन सी एन माइनस आर एन सी एन। अब तुम इसको समझने के लिए ना एन और आर के कुछ वैल्यू मान सकते हो, 1, 2, 3 तक कोई वैल्यू मान लो, एनसीआर की तुम कुछ वैल्यू डालो। देखो दो तरीके से इसको डील करेंगे, इसको मैं बताता हूं। एक बच्चा होगा वो फॉर्मूला याद करेगा, एक बच्चा होगा तो बड़े स्मार्ट तरीके से इसको डील करेगा। अगर सीख गए तो क्वेश्चन करना आसान होगा, नहीं तो पढ़ते हो तो सभी है।
अब ये सारे टर्म्स लिखे, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये एनसी जीरो एनसीआर प्लस एनसी वन एनसीआर प्लस वन और प्लस एनसी टू एनसीआर प्लस टू एनसी थ्री एनसीआर प्लस थ्री, तो ऑन करके ऐसे लिखा है लास्ट तक। लास्ट में क्या लिखा है, सी आर माइनस एन माइनस आर और क्या है लास्ट में एन सी एल। आर की ये जो है ना, इसके साथ पावर एक एक जो सफिक्स में नंबर है बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ सफिक्स में एक एक नंबर हर बार क्या हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ जीरो, सेकेंड टर्म है तो यहाँ भी वन वन आई डी हो रहा है, इस तरह से चल रहा है, लेकिन आर से वहां रिलेशन दे दिया ये है। अब ये होगा कि तुम सारे को सॉल्व करो, फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बनाओ। ऑप्शन तुम्हें दिए हैं, तुम कोई दो टर्म ले लो, बहुत आसान बना, एक टर्म से बात नहीं बनेगी, कितने टर्म्स ले लो, दो ले लो, एन और आर की कुछ वैल्यू मान लो, अगर हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं तो एन और आर की कुछ अपने मन से कुछ भी वैल्यू मान लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो एन की वैल्यू होगी आर की वैल्यू से क्या होगी, हमेशा आर की वैल्यू कम होगी, एन की वैल्यू आर से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, डिफरेंस वन का होना चाहिए मिनिमम। तो जैसे मान लो आपने एन की वैल्यू क्या ले ली, थ्री ले ली, आर की वैल्यू आपने क्या ले ली, टू ले ली, तब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है देखो, फिर जनरल टर्म के लिए निकाल लेना उसको। सपोज करो जैसे एन की वैल्यू आपने थ्री ली होती, एन की वैल्यू हमने थ्री ले ली और आर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है फिर कितनी होगी भैया, टू ले लो। अब इन टर्म्स को लिखोगे तो कहां से कहां तक आएगा जरा देखो, बस यहीं तक लिखना, क्योंकि वहां तक लोगे ना तो अब एन का मतलब यहां कितना हो जाएगा, फिर ये थ्री है, यहां आर प्लस टू करोगे तो ये फोर हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव वाले टर्म्स आ जाएंगे। कोई दो टर्म्स का सम निकाल के देख लो, या कोई दो टर्म्स एनसीआर में ही सॉल्व करके देख लो, आप यहां से यहां तक रखो, इनको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, यही दो टर्म सॉल्व करना है यहां से यहां तक का, बस इतना सॉल्व करो, वैल्यूज रखो, फटाफट करो, जल्दी से करो। एन की वैल्यू थ्री रख रहे हैं आप, आर की वैल्यू टू, सॉल्व करना फाइव आ रहा है, सॉल्व करने पे फाइव आया दोस्त, देखिए कुछ लोगों का फाइव आ रहा है सॉल्व करने पे। अब जितने भी ऑप्शंस दिए हैं तुम्हें उसको हमने देखा, सॉल्व करने के बाद फाइव आ रहा है, आप लोगों ने किया वही मैं लिख दे रहा हूं, क्या चेक कर लू मैं, आ रहा है ना सबका, ये फाइव ही आ रहा है। अब इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सब में एन की जगह क्या रखो आप, आर की जगह सॉल्व कर लो, जिसमें फाइव आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं चलना है, स्मार्ट वे में लेकर चलो। पूरा फॉर्मूला नहीं याद है तो जितना जानते हैं एकदम स्मार्ट तरीके से लगाएंगे, काम करके आगे निकल जाएंगे अपना। रखो ऑप्शंस में, देखो कौन कौन से दिए, ये फाइव ही आ रहा है, आर श्योर, देखे जरा, टू
तो कितना आया, C1 की वैल्यू देख लो और देखो, पहले वाले में 5 ही आया है, और इसमें 6 आ रहा है सॉल्व करने पे, और इसमें आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है कुछ, तो कितना आया एक्यूरेट का मतलब कितना हो गया 3 2 6 और नन ऑफ दिस तो एवरग्रीन है, इसका तो कुछ बात ही नहीं, ठीक है डन। अच्छा तीसरे स्टेप की वैल्यू कितनी आई जरा देखो, यहां तो नेगेटिव आ जाएगा ना, ये अगर आर के प्लेस में हमने 2 यूज किया तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, एन की वैल्यू 3 है, ये NCR वाला टर्म्स क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये वाला अप्रोच तुम्हारा इस क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा, ये है तब बस इसको एक जनरल तरीके से ही करना पड़ेगा तुम्हें, क्या है इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखो थोड़ा परेशान करेगा इसको ढंग से देखना, तो भैया ये आएगा आपका इससे आपको करना था फिर इसको 1 + x^n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो जो भी कोफिशिएंट आ रहा है सब लिखो NCR वाले फॉर्मेट में लिखो, पहला क्या होगा NC0 अभी हमने लिखा था ना NC1x NC2x2 NC3x3 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा, लास्ट वाले टर्म क्या आएंगे तुम्हारे NCnx^n क्या जाएगा दोस्त एन ही आएगा, क्लियर है आप सेकंड देखो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे N+1 टर्म्स आएंगे, लास्ट वाले टर्म में एन ही आएगा क्योंकि जहां जहां ये एक्ससी के जो सफिक्स में है ये ध्यान रखना, जैसे जैसे सी के सफिक्स में जो नंबर आता है वैसे वैसे एक्स की में वो पावर में नहीं N-1 नहीं एन ही लूंगा, सफिक्स में जो नंबर आ रहा है वही बार बार एक्स की पावर में जा रहा है, देख रहे हो ना है तो 2 है तो 3 है तो 4 है, दूसरा एक्सपेंशन लिखो 1 + 1/(x^n) का एक्सपेंशन, अब क्या करना है कुछ नहीं, इसी एक्सपेंशन में जहां जहां x आ रहा है वहां क्या आएगा 1/(x), पहले में आएगा 1/(x), दूसरे में क्या आएगा ऐसे बढ़ता जाएगा टर्म, लिखो ये हो जाएगा NC0 + NC1 1/(x) + NC2 1/(x)² + NC3 1/(x) का क्या हो जाएगा क्यू एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा फिर NCn 1/(x)n, अब ना इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी यहां यहां दिए हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो CR दिया है कॉम्बिनेशंस वाले टर्म्स लिखे हैं ना दो दो का क्या है ये प्रोडक्ट है, दो दो का क्या है दो दो का प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं भी कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है, नहीं कहीं x आ रहा है नहीं कहीं, तो जब ये देखो हमने एक x वाला एक्सपेंशन लिख दिया एक 1/(x) वाला एक्सपेंशन लिख दिया, कहीं भी x नहीं आना है तो वैसे वैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जहां पर x का कोफिशिएंट क्या है एकदम मतलब x जो हो x की पावर क्या है 0 आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और x की पावर n से क्या कर दो पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करें सीधे दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले 1 + x^n इंटू 1 + 1/(x^n) क्या क्या आएगा ये बताओ, ये सारा टर्म देखो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा पूरे 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 सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तुम्हारे, NC0 से सभी को मल्टीप्लाई करोगे NC1x से सभी को मल्टीप्लाई करोगे और क्या क्या है NC2x² से सभी को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसी दिख रहे हैं कि नहीं सारे ठीक है, लेकिन तुम्हें लेना क्या क्या है ये समझो, इनमें आएंगे बहुत सारे टर्म्स, अब NC0 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक NC0 इंटू में दो बार आएगा ना NC0 का स्क्वायर आएगा, NC0 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा NC1 में तो 1/(x) भी आएगा, NC0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/(x² भी आएगा,
लेकिन हमें टर्म्स कौन कौन से लेने हैं, हमें टर्म्स वे लेने हैं जहां पर एक्स नहीं आएगा। इसका एक तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए था, मतलब एक्स एक्स नहीं आ रहा है। तीसरा, अगर मैं एन सी वन एक्स को उठाऊं, हमारा कहां से स्टार्ट है, एन सी जीरो एन सी आर से है। अगर मैं एन सी वन एक्स को लूं, इसको कहां कहां मल्टीप्लाई करूं कि एक्स से फ्री वाले टर्म्स आ जाए तुम्हारे, एक्स से फ्री वाले टर्म्स कहां कहां आएंगे। एक तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इससे आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स से फ्री टर्म्स आएंगे कि नहीं, बात हमारी नहीं क्लियर हो रही है। इसका जो ये टर्म्स लिखे गए हैं ये सारे एक्स से फ्री टर्म है। अगर हमें एक्स से फ्री टर्म चाहिए तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दूं। पहले को पहले से करेंगे तो यहाँ एक्स नहीं आएगा, लेकिन इस पहले को पहले के अलावा और किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। एक्सपेंशन तो इनका अपने हिसाब से हमने लिख दिया, लेकिन टर्म्स केवल वही कंसीडर करने हैं जिसमें एक्स नहीं आएगा, बात क्लियर हो रही है। तो इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे और इसको इसके अलावा और कहीं से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दे। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था, अगर यही वन अपॉन एक्स को एक्स की पावर एन को हमने कॉमन कर लिया होता, अगर यहां से सिंपली एक्स कॉमन करते तो क्या बचता, वन प्लस वन अपॉन एक्स में से, वन प्लस वन अपॉन एक्स में से अगर हम एक्स कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमें बताइए, ब्रैकेट में क्या आएगा। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो इसको और इजी वे में लिखा जा सकता है। अगर मैं सीधे एक्स कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, या वन अपॉन एक्स मान लीजिए कॉमन कर रहा हूं तो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स की पावर एन हो जाएगा बाहर, यहां जाएगा एक्स, चाहे एक्स प्लस वन लिखिए चाहे वन प्लस एक्स, बात एक ही है कि नहीं, बात क्लियर है। ये वन प्लस एक्स ही हो जाएगा कि नहीं, पावर में एन है तो एन ही आएगा। जरा मैं देखो क्या कह रहा हूं, इस वन अपॉन एक्स को हमने इसमें पूरे में क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, तो यहां तो वन बचेगा ना, यहां वन अपॉन एक्स नहीं था तो एक्स बचेगा ना यहां पहले में, चाहे इसको एक्स प्लस वन लिखूं या वन प्लस एक्स लिखूं, बात एक ही है। अब जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते तो वन अपॉन एक्स की पावर एन बाहर रह जाता, और ये वन प्लस एक्स की पावर एन और वन प्लस एक्स की पावर एन, यही चीज सेम क्या बन जाता, वन अपॉन एक्स की पावर एन और वन प्लस एक्स की पावर क्या हो जाता, टू एन। ये प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाते हैं, या दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन करो या तो सिंगल इसी का एक्सपेंशन लिख दो, सिंगल केवल इसी का एक्सपेंशन लिख दो, बस एक्स की पावर एन से क्या कर देना है तुम्हें, डिवाइड कर देना। अगर इस सिंगल का एक्सपेंशन करेंगे तो जहां जहां फॉर्मूले में हमने एन यूज किया है हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं किया जाएगा, ये नए क्वेश्चंस हैं इसलिए जो नई अप्रोच आ रही है उसको लो। तो ये भी लिखो और करके ये भी लिखो, अब इसका एक्सपेंशन लिखो जल्दी से बताओ क्या आएगा, नीचे लिखो तो लो, मेरे पास स्पेस है, मैं फाइनल कंक्लूजन इसका लिखूंगा। लिखो ये भी लिखो, या तो इसको मल्टीप्लाई करते थे या डायरेक्ट यही एक्सपेंशन लिखते, सब याद रखने पड़े, लंबे हैं एक्सपेंशन। फिफ्थ, हाँ वन अपॉन एक्स की पावर एन सब में बटे, इसका एक्सप्रेशन कर और कर, ठीक है लिखे लिखे इसका एक्सपेंशन। अगर इसको सिंगल वर्ड में लिखते तो क्या होता है, ये वन अपॉन एक्स की पावर एन बाहर रह जाता है आपका, ब्रैकेट के अंदर क्या आता, टू एन
टी जीरो प्लस टू एन टी वन और क्या था एक्स की पावर एक्स तो एक्स ही है ना दोस्त एक्स तो एक्स ही लिखोगे फिर प्लस एक्स एंड सो ऐसे चलेगा मतलब एनसीएन भी आएगा एनसीआर प्लस वन कहीं सारे टर्म्स आएंगे बीच में ये लिखो हट सारे टर्म्स आएंगे ऐसे चलेंगे एनथ लास्ट वाला टर्म आएगा तो क्या होगा टू एन इसके पहले वाले टर्म आर प्लस वन मतलब एन माइनस आर जो भी होंगे सारे टर्म्स बन रहे होंगे देखो लिखो अब इसके आर एथ टर्म का कोफिशियंट निकालो एक्सपेंशन ये तुम्हें दिखा अगर इसके आर एथ टर्म का कोफिशियंट हमें निकालना हो तो क्या होगा लिखो लिखो कोफिशियंट ऑफ आर एथ टर्म इन दिस या तो इसमें या इसमें बात एक ही है लिखो कोफिशियंट ऑफ आर एथ टर्म इन कोफिशियंट ऑफ आर एथ टर्म इन वन अपॉन एक्स टू द पावर एन वन प्लस एक्स टू द पावर टू एन अपॉन ये जो लिखा है एक्स टू पावर एन और वन प्लस एक्स टू पावर टू एन क्या होगा इसका आर एथ टर्म वन अपॉन एक्स टू पावर एन वन प्लस एक्स टू पावर क्या है ये एन कोफिशियंट ऑफ आर एथ टर्म की बात हो रही है कोफिशियंट ऑफ एक्स टू पावर आर लिखो ऐसे लिखो आर टर्म की बात करेंगे तो x का कोफिशियंट x की पावर क्या आएगा अगर आर एथ टर्म की बात करेंगे तो x की पावर क्या आएगा n माइनस आर आता है n माइनस आर यहां n के प्लेस पे क्या लिखना है अपने को 2n 2n माइनस क्या होगा r होगा अगर मैं सिंपली कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर r की बात करूं तो मतलब x की पावर अपने को क्या रखनी है x की पावर अपने को क्या रखनी है यहां जो एक्सप्रेशन से आएगा चीज तुम्हें बहुत क्लियर है कि नहीं तो एक्सपेंशन हमने 1 प्लस एक्स टू पावर एन लिखा ना तो मैं यहां लिखता हूं 1 प्लस एक्स टू पावर एन लिखा एक्सपेंशन में क्या आता है तुम्हारा एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसे चलता है ना ये एन सी टू एक्स स्क्वायर अब यहां देखो जब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो एक्स की पावर वन है जब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो x की क्या है पावर टू है तो जब मैं x की पावर r की बात कर रहा हूं तो कौन सा टर्म रहा होगा टी आर प्लस वन टर्म रहा होगा नहीं समझे जो भी x की पावर है नंबर ऑफ टर्म उससे हमेशा ही क्या आता है ज्यादा होता है तो x की पावर r की अगर मैं बात कर रहा हूं x की पावर r की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है फिर मुझे बताओ कौन सा टर्म होगा वो टी आर प्लस वन टर्म होगा ना नहीं समझे मेरी बात अगर मैं x की पावर 5 की बात कर रहा हूं इसका मतलब 6 टर्म की बात हो रही है केवल x की पावर 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन कर रहा हूं तो 6 टर्म की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है r की पावर 5 आएगा 7 टर्म की बात कर रहा हूं तो x की पावर क्या आएगी 6 आएगी केवल अगर 1 प्लस x का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r की अगर मैं बात करूंगा इसका मतलब कौन सा टर्म रहा होगा फिर वो r प्लस 1 टर्म रहा होगा r प्लस 1 टर्म तो भैया आ जाएगा ये टी आर प्लस वन टी आर प्लस वन लिखो कितना आएगा एन के प्लेस में अपने को क्या लिखना है लिखना है वन अपॉन एक्स टू द पावर एन भी है वन अपॉन एक्स टू द पावर क्या है एन भी है तो ये भी अपना रोल इसमें प्ले करेगा क्यों क्योंकि जब यहां एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे डायरेक्ट लिखते तो क्या बनता आपका एक्स टू द पावर क्या जाता सिंपली टू एन माइनस आर आता कि नहीं एक्स की पावर टू एन माइनस आर आता लेकिन x की पावर n से डिवाइड भी कर रहे हैं x की पावर n से डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहां एक n माइनस हो जाएगा ना
एक्स टू द पावर का क्या बनेगा फिर ये एक्स टू द पावर एन माइनस आर बनेगा। ये अपना रोल प्ले करेगा ये ध्यान में रखना। तो यहां जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा ना 2n, ये याद रखना जब इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा तो ये फॉर्मूला ही चाहो तो याद कर लो डायरेक्ट कि r प्लस वन इक्वल टू होगा तुम्हारा। बहुत सारी नई चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे। कोफिशियंट की सिर्फ बात करोगे तो चूंकि x की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कोफिशियंट सीधे एन सी आर में होकर क्या बनेगा 2n एन सी आर 2n एन 2n सी एन प्लस आर बनेगा। तो 2n एन 2n सी एन प्लस आर ये कैसे हो रहा है कि x की पावर अगर ये नहीं होता तो सिर्फ क्या आता, अगर x की पावर 1 प्लस x की पावर सिर्फ 2n होता तो कोफिशियंट क्या बनता इसका, अगर सिर्फ और सिर्फ यही होता तो कोफिशियंट क्या बनता तुम्हारा 2n लिखते तुम और यहां क्या आता तुम्हारा सी आर और यहां क्या आता x की पावर 2n माइनस आर है ना दोस्त। लेकिन इस x की पावर n के होने की वजह से इसको याद रखना एज ए फॉर्मूला भी जहां जरूरत पड़ेगी यूज करना, क्या हो जाएगा 2n c n प्लस आर। अब इसी का एक्सपेंशन कर दो जो आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर है, जो भी होगा उसी हिसाब से ऑप्शन होगा। NCR का एक्सपेंशन क्या होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर का क्या है फैक्टोरियल। लगा दो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, जल्दी लगाओ। तो याद रखना अभी तुम्हें याद करना है, ये काम की चीज है। बहुत सारी ऐसी नई चीजें मिलेंगी जो आपने अब नहीं पढ़े होंगे, एकेडमिक लेवल पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बट कंपटीशन कंपटीशन के क्वेश्चंस करोगे तो ये सब याद रखने पड़ेंगे। जल्दी से करो एक्सपेंशन करो देखो क्या आ रहा है। एक्सपेंड करो क्या आया, ये फॉर्मूला हमने बताया ये आपको पता भी है, आप रखो बस जहां जहां इस फॉर्मूले में n आता है उसके प्लेस पे क्या रखना है अपने को 2n, जहां जहां r आ रहा है वहां क्या रखना है n प्लस, फॉर्मूले में जहां जहां r आता है वहां क्या रखना पड़ेगा n प्लस r है ना, वहां n प्लस r रखोगे। रखो देखो कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। तो आया 2n r फैक्टोरियल का मतलब एक r n प्लस r तो सीधी ही आ जाएगा और n माइनस r करते हो तो 2n माइनस n आ जाएगा और n माइनस यही है ना, हाँ यही आना चाहिए मेरे ख्याल से n माइनस n प्लस r तो पहले में आएगा ना कि r फैक्टोरियल होता है r के प्लेस पे अपने को डायरेक्ट क्या लिखना है n प्लस r रखना है। सेकेंड वाले टर्म में क्या आता है n माइनस r का फैक्टोरियल आता है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो n माइनस r बचेगा। हाँ r के साथ नेगेटिव साइन नहीं आ जाएगा, बताओ जरा जब तुम 2n माइनस n माइनस r करोगे दोस्त माइनस करोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ क्या बनेगा n प्लस आर पूरा माइनस कर रहे हैं, नहीं 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 ब्रैकेट माइनस साइन ऑपरेट होगा अंदर। तो ऑप्शन ए शायद सही था आपका ना, वही मैं चेक करा रहा था पीछे देखो आ रहा हो तो ठीक, ऑप्शन ए शायद आपका सही हो जाएगा फिर ठीक है दोस्त। अब इसको एज ए आइडेंटिटी याद रखना जितनी चीजें बता दी गई, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो इसी को क्या करेंगे हम इसी में यूज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन द कोफिशियंट ऑफ आर एथ एंड आर प्लस टूथ टर्म इज बी इक्वल देन आर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान देखो
कोफिशियंट ऑफ आरएथ टर्म, कोफिशियंट ऑफ आरएथ टर्म की बात हो रही है और यहां कोफिशियंट ऑफ आर प्लस टू एथ टर्म की बात हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आरएथ टर्म की बात होगी तो एक्स की पावर क्या आएगी? अच्छा देखो, जब आर प्लस वन एथ टर्म की बात होती है एनसीआर आता है, एनसीआर आता है कि नहीं, मतलब जो आर होता है नंबर ऑफ टर्म से एक कम आता है कि नहीं, जब सी आर में आर लिखते हो तो जब यहां आर एथ टर्म की बात कर रहा है तो सी के नीचे क्या आएगा? आर माइनस वन आएगा, एक कम लेगा ना। आर प्लस टू एथ टर्म की बात हो रहा है तो क्या आएगा? एन सी आर प्लस वन, एक कम, उससे क्या होगा? आर प्लस वन। तो कोफिशियंट की केवल बात हो रही तो सिर्फ लिखेंगे भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो यादव, अभी बोला तुम लोग भूल गए तुरंत। जब टी आर प्लस वन लिखते हो तो कोफिशियंट में क्या आता है? एन सी। तो जब सिर्फ आर एथ टर्म की बात होगा तो कोफिशियंट में क्या आएगा? एन सी आर माइनस वन। जब आर प्लस टू एथ टर्म की बात होगा तो यहां क्या आएगा? एन सी आर प्लस वन। कोफिशियंट की बात हो रहा है तो सिर्फ कोफिशियंट लिखेंगे ना, हमें एक्स वेरिएबल नहीं चाहिए, हमने अभी बताया ना, सिर्फ कोफिशियंट लेना है अपने को। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, आप लोग बताएं फिर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सिक्स। भैया कोफिशियंट ऑफ आरएथ टर्म की बात हो रहा है, कोफिशियंट ऑफ आरएथ टर्म इक्वल टू क्या है? कोफिशियंट ऑफ आर प्लस टू एथ टर्म। जब आर प्लस टू एथ टर्म की बात हो रही है, आरएथ टर्म की बात हो रहा, तो यहां क्या आएगा कोफिशिएंट में? एनसी आर प्लस वन, आर प्लस टू टर्म की बात हो रही है, यहां आएगा आर। अब बस अपने को आर की वैल्यू निकालना है, एक्सपेंशन पता ही है तुम्हें, लगाओगे यहां क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन, यहां आएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन आएगा ना फिर। दूसरे में आएगा तुम्हारा ये n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस वन का फैक्टोरियल, और n माइनस r माइनस वन करेगा ना, n माइनस r आता है ना। फिर से मैं बताऊं कहां सीखा गया ये, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे ही एक्सपेंड करना होता है। अब एन की कुछ वैल्यू नहीं दी है तो अब ये सी बात है, आर की वैल्यू एन के टर्म में आएगी, क्लियर है ना? करो, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तुम्हारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो बच रहा है उसको लिखो r प्लस वन, और r माइनस वन में से किसको एक्सपेंड करोगे?
बहुत क्लियर है। एन माइनस आर प्लस वन में से आर एन माइनस आर माइनस वन में से किसको एक्सपेंड करोगे? प्लस वन वाले को। करो फटाफट जल्दी से बताओ क्या है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड भी कर देते हैं, ठीक है। आर प्लस वन आर भी आएगा और आर माइनस वन लिख देता हूं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देने। अब उसको वही लिखोगे आप, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हमने रहने दिया, इक्वल टू में बनेगा इसका एन माइनस आर, आर माइनस वन है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी एन माइनस आर प्लस वन बनेगा एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन आया। और एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन से एन माइनस आर माइनस वन, यहां बचेगा आर आर प्लस वन और वहां बचेगा एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर, किया जाए इसे फिर करो, यहाँ आर आर प्लस वन बचा है, वहां एन माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ बचा आर आर प्लस वन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आया तुम्हारा एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन। बस स्लो काम कर रहा, करो जरा। अब ये सारी चीजें कैलकुलेशन की हैं, इसी से तुम्हारा कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। अगर n की वैल्यू कुछ ठीक ठाक दी होती तो वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा देते, जो वैल्यू वहां सेटिस्फाई करेगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों भाई, नहीं तो फैक्टराइज करके करना पड़ेगा, यही तो तरीके हैं। लेकिन तुम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो पढ़े ही हो, फैक्टराइज करना आना चाहिए। अब फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है तो ये चिंता वाली बात है। नहीं आ रहा है दादाजी? कैलकुलेशन तुम लोगों की वीक हो रही है, अब या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या तो बहुत बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं। सच में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आया। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते ये कितना आता, एन माइनस आर का होल स्क्वायर और एन माइनस आर को वन में मल्टीप्लाई करते तो करें सीधे, मैं लिख देता हूं इक्कीस, अभी बाल उखाड़ने लगते भैया। आर स्क्वायर प्लस का आर इक्वल टू यहाँ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का टू एन आर माइनस का टू एन आर प्लस एन माइनस, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल ही कर लिया, बहुत बढ़िया। और R वाले टर्म को इधर लाओ सब, ये R प्लस R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो ये माइनस का 2nr इधर आएगा तो प्लस का 2nr हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर आएगा। चल भैया यही बच रहा है बस ना, n भी तो बचेगा वहां पर, को n भी तो बचेगा, अरे वहां n भी तो बचेगा, एक इन दोनों में 2R कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ n प्लस वन या वन प्लस एन, वहां अगर n कॉमन कर ले तो
एन प्लस वन दोनों साइड दिख रहा है, सिर्फ आर चाहिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन बाई टू किसी ऑप्शन में दिया है, दिया है तो उठा लो, है ना, कैसे किए, बस कैलकुलेशन हम बार बार कह रहे हैं ठीक हो जाए, फार्मूला तुम्हें याद रहे कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आई। कौन से ऑप्शन में दिया था भैया, सी में दिया है तो सी को उठा लो, तो सी वाला ऑप्शन एकदम तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एन भाई, ठीक है डन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं इसके, आगे बढ़े, आया ना सबका, क्वेश्चन नंबर 8 7 7, इफ द रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1:2, कौन कौन से टर्म की बात हो रहा है, अरे सिर्फ कोफिशियंट लेना है, ये ध्यान रखना, पावर क्या है ये सब छोड़ो, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, रेशियो में तो है ही, एक नंबर भी आ रहा है, एक्स तो मान लो हटा दोगे, लेकिन 1/2 जो मामला है ये लेना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ जो अब देखो फिर से ही ना, अगर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बना दे, कोफिशियंट की बात हो रही थी, केवल कोफिशियंट लिखेंगे तो यहाँ 1/2 भी आएगा ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से मिजाज बनाइएगा, ये नहीं कि हमने कहा है तो अब हमेशा वही करना है, यहाँ नंबर आ रहा है ना, तो थर्ड और फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो एक में एक बार 2 ज्यादा आ जाएगा कि नहीं, तो एक बार ज्यादा रहेगा उसमें, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस कर लो खूब, एकदम आराम से इसीलिए कर रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आए हैं वो करेंगे, अभी पहले तो एक रिदम बनाओ, पहले हर तरह के वो कॉन्सेप्ट पहले सीख लो जो जरूरी थे आपके लिए, जो क्लासेस में नहीं सीखे गए, जल्दी से करिए फटाफट, अब यहां प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना दोस्त, क्योंकि एक में थर्ड टर्म की बात हो रही है, एक में थर्ड टर्म का मतलब T3 होगा, फोर्थ टर्म का मतलब 4 है, रेशियो दिया है 1:2, 1/2, अब इसका थर्ड टर्म लिखूंगा तो क्या होगा, -1 to the power r, मैं लिख दूं क्या, -1 to the power r, r यहां क्या आएगा, आएगा बच्चे, अब यहां जाएगा NC2, और क्या आएगा, x की जो आएगा वो तो छोड़ो, x से मतलब नहीं, x तो ठीक है मान लो, चलो ले ही लो, x कट जाएगा, बस नंबर को पकड़ो तुम, ठीक है, तो क्या है बताओ, क्योंकि तो जो भी पावर है सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या लिखा जाए फिर, चलो यहां x की पावर क्या आएगा, n माइनस 2 आएगा, और -1/2 तो वही माइनस चला गया, 1/2 बस लू, 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, 2x है, 2x की पावर 2 आ जाएगा ना सिर्फ, नीचे होल अपॉन क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो -1 की पावर यहां 3 आएगा, यहां NC3 आएगा, यहां x की पावर n माइनस, और यहां 1/2x की पावर 3 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या है, अब सॉल्व करो, n की वैल्यू बताना है। अच्छा अगर मैं बहुत ना सोचूं, जरा दोस्त देखो यहाँ, देखो इधर रुक जाओ, हले हले दोस्त, यहाँ समझो खिलाड़ी, लीज को तुम जिताओगे मैं जान रहा हूं, इधर आओ, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा कि नहीं, यहाँ -1 का स्क्वायर है, यहाँ -1 का क्यूब है, तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर कोफिशियंट को लेकर मैं सॉल्व करूंगा, पूरे टर्म्स को एक साथ लूंगा, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन मिल जाएगा दोस्त, तो अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच अपना लेता कि सीधे गेस करके मुझे ऑप्शन एक सेलेक्ट करना होता तो क्या ले लेते, लेकिन बहुत श्योर नहीं है ये, मैं अपने इंस्ट्रक्शन से बता रहा हूं कि अगर यहां माइनस के अगर बेसिस पे हमें देखना हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो रहा है, तो हमें डी वाला ऑप्शन मिल जा रहा है,
ये माइनस साइन तो रह जाएगा, किसी से किसी को भी कैंसिल कर दो, और कहीं माइनस नहीं आ रहा है ना। ये एनसीआर वाले में भी जो भी टर्म्स आते हैं पॉजिटिव आते हैं, जानते हो नेगेटिव टर्म्स के लिए डिफाइन ही नहीं है, इनका नेगेटिव आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बचा क्या सिर्फ, ये नेगेटिव साइन हमेशा रह जाएगा ना। तो जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे एन के लिए क्या होगा, ये अगर गेस सर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये देख लो अपने हिसाब। अब तुम लोग इसको सॉल्व करो, बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से करो जरा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखो, एक गेस वर्क के हिसाब से बता दिए। पहले तुम देखना कि वेरिएबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है क्या, वेरिएबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है क्या, मतलब वेरिएबल पूरी तरह से हट रहा है क्या। अगर नहीं हट रहा है तो वेरिएबल को वहां एक्स नहीं लिखा, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है, आरएचएस में एक्स नहीं लिखा, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है, जल्दी से करो बताओ मुझे क्या आएगा। आ रहा है, नंबर्स को उठाओ, नंबर्स क्या क्या है तुम्हारे देखो जरा, NC2 है ऊपर, चलो NC2 हमें लिख दिया, का 1/2 का स्क्वायर दिया है, 1/2 का क्यूब दिया है, तो एक 1/2 नीचे बच जाएगा ना, नीचे आएगा माइनस का C3 और एक 1/2 बच जाएगा तुम्हारा। x क्या आ रहा है, x का रोल ही नहीं हटाओ इसमें, 1/2 ले लो, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, माइनस साइन को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा NC2 अपॉन C3 इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, ये उधर जाएगा सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। NC2 NC3 सॉल्व कर लोगे, NC2 का मतलब दो स्टेप तक एक्सपेंड करना है और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 और क्या लिखोगे तुम, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब 2 × इसको एक्सपेंड करोगे तो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 3 × 2 × 1, नीचे अपॉन में क्या आएगा,
एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू इक्वल टू में क्या आ गया माइनस के वन बाई सॉल्व कर लो भैया दोस्त कुछ आ रहा है माइनस वन से एन एन माइनस वन टू बाई या कैसे यहाँ थ्री बचा ये मल्टीप्लाई कर रो तो फोर थ्री सा माइनस का ट्वेल्व हो गया ये और ये क्या होगा एन माइनस टू माइनस का टू उधर को जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा तो एन की वैल्यू क्या आ गई दोस्त जो हम लोगों ने गेस किया था सीधे कर ले तो वहां से कभी कभी चीजें ठीक भी होंगी मैं कह रहा हूं अगर गेस करते तो कैसे पहुंच जाते मैं इसकी बात कर रहा हूं यही सब स्मार्ट थिंकिंग है छोटी सी पॉइंट पकड़ में आ गई आप समझ जाएंगे किस ऑप्शन पे जाना है समझ रहे हो ना क्या हो गया आया ना समझ में बाकी से तो वो वाला क्वेश्चन मैं एक बार चेक करूंगा लास्ट में पहले इसको करो हो गया ये आगे बढ़े आ रहा है कुछ कुछ बुझा रहा है कि सब बुझ रहा है ठीक तुम्हारी तरफ तो ये लैंग्वेज बहुत चलती है ना आप देखो ये क्वेश्चन एन सी जीरो माइनस वन बाई टू एन सी वन प्लस वन बाई थ्री एन सी थ्री माइनस का ऐसे चल रहा है सीक्वेंस तुम्हारा ऑल्टरनेट पे साइन चेंज हो रहा है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव अब n क्या है इस पे डिपेंड करेगा वहां माइनस वन की पावर n कर दिया एन सी एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा ये बात हो रही है अब क्या करना है तुम्हें बताओ ये कितने के बराबर आएगा कैसे निकालोगे क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्रेशन लिखा है क्या है एन सी जीरो माइनस वन बाई टू एन सी वन ऑल्टरनेट पे साइन चेंज हो रहा है भैया वन बाई थ्री एन सी लास्ट वाला टर्म लिखा है तुम्हारा ऐसे माइनस में है फिर ये माइनस वन टू द पावर एन एन सी एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू ये किसने के बराबर आएगा ये बताएगा फिर से वही कंडीशन बाय इंस्पेक्शन से करो एन के प्लेस पे ना अलग अलग वैल्यूज ले लो वन ले लो टू ले लो रख के देखो कहां तक सेटिस्फाई हो रहा है वन तो हमेशा आ ही है जाएगा टू पे देख रहे हो रखे टू पे रखेंगे तो मैक्सिमम कहां तक जाना है आपको क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो टर्म्स हमारा नेगेटिव मिलने लगेगा वो डिफाइन नहीं होगा फिर समझ रहे ना वन लेंगे तो कहां तक जाते सिर्फ वहीं तक जाते समझ रहे ना ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को ना फॉर्मूला अब ये ना सोचना कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा यही बाय इंस्पेक्शन आप मेथड इसी से करिएगा कि कैसे होगा ये कैसे नहीं तो मान लो जैसे n की वैल्यू 1 लिए होती है तो अपने क्या आता जरा बताओ कहां तक जाते सिर्फ यहां तक जाते और n की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो एक स्टेप और आगे तक जाते क्योंकि इसके बाद क्या आता एन सी थ्री एन की वैल्यू हमने ले लिया अगर 3 ले लिया है 2 ले लिया है तो आता एन सी थ्री तो नीचे नेगेटिव आता नेगेटिव वाले टर्म्स के लिए जानते हो फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है तो कहां तक जा रहा है ये दिमाग में रखना है वन रखेंगे तो बस यहीं तक टू रखेंगे तो एक स्टेप आगे तक तो चलो टू पे ही डायरेक्ट चेक करते हैं टू रखा हमने तो कहां तक जाना है देने को वन रखें दोबारा चेक करें इससे एक ही ज्यादा डायरेक्ट कर देते हैं एन इक्वल टू अगर टू रख रहे हैं तो क्या आएगा जरा देखो एन इक्वल टू टू रखेंगे तो यहां आ जाएगा टू सी जीरो
माइनस का वन बाई टू, टू सी वन प्लस का वन बाई थ्री, अब इसको सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा, जल्दी से बताओ, 2c0 जीरो माइनस वन बाई टू, टू सी वन प्लस वन बाई थ्री टू सी टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? चलो एक चीज ध्यान रखना, एन सी जीरो और एन सी एन, एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? जहां ये सारे टर्म लिखे ना उसको वन लिख दिया करो बिना सोचे समझे, जहां जीरो वाला और सेम वाले टर्म्स लिखा करें, बस बीच वाले का लिखाना है। कितना आया दोस्त बताओ? यहां वन आया, यहां तो टू ही आ जाएगा, यहां भी वन बाई थ्री आया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इससे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म, तो बचेगा सिर्फ कितना फाइनली? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 1 बाई थ्री आ जाएगा आंसर हमारा? भाई इसको सॉल्व करने पे 3 आ रहा है, तो जो ऑप्शन हमारा दिया है n की वैल्यू कहां पे 2 रखने पे 1 बाई थ्री मिल जाएगा, क्लियर है? जैसे 1 के लिए रखे होते तो जरा देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 यूज करता तो दोस्त कितना होता, कहां तक जाते तुम, बस यहीं तक जाते, तो एन सी मतलब टू वन सी जीरो माइनस का वन बाई टू और वन सी वन, वन सी वन की वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू वन ही आएगी ना, और ये वन सी जीरो की वैल्यू भी बनाएगी, वन माइनस वन बाई टू सॉल्व करोगे कितना आएगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एन की वैल्यू वन रखे तो वन बाई टू आ जाए? हाँ, बीस देख रहे हो यार, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 बाई टू आ जाए सॉल्व करने पे, हर केस में सी आएगा, 4 रखो 7 रखो कुछ भी रखो तो ऑब्वियस बात है n रखेंगे तो n के लिए भी यही आएगा, तो इसको बाय इंस्पेक्शन करना है, पूरे सॉल्व करने बैठ जाओगे बहुत टाइम जाएगा, ये अप्रोच है अडॉप्ट करनी है, समझ रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच लेनी है, एकदम फिक्स नहीं हो जाना है कि ऐसे ही हमेशा चलना है, समझ गए? ये कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा तुम्हारा, एकदम यही हम उस क्वेश्चन में भी कर रहे थे, तुम्हारा वहां सेट नहीं हुआ वो मुझे देखना है, या तो कैलकुलेशन में कुछ टिप मिस्टेक हुई थी या मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है, इसको ले लो। एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आपके पास शीट में प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट होगा उसको देखेंगे हम। ये देखो दिया है, द आरएस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, आरएथ टर्म क्या होगा इसकी बात हो रही, अब ये सुन आसानी से निकाल सकते हो ना, निकालो इसको तुम लोग खुद से करो। चलो नाइन्थ वाला क्वेश्चन, आरएथ टर्म निकालना है a प्लस टू एक्स की पावर n है,
ये चारों ऑप्शन है तुम्हारे। करो जल्दी से, आर प्लस वन तो पता है ना, रामराज ये क्या होता था? हाँ एनसीआर और एक्स टू पावर ए टू पावर ये है तुम्हारा फॉर्मूला आर प्लस वन टर्म का। यहां किसकी बात कर रहा है? आर एथ टर्म की बात कर रहा है। अगर आर एथ टर्म की बात कर रहा है तो जहां जहां आर आ रहा है उसके प्लेस पे क्या आएगा? आर माइनस प्लस वन नहीं, एक कम आता है आर माइनस, तो टी आर का मतलब बात करेंगे तो यहां क्या आएगा? हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, और x के प्लेस पर यहां क्या है? a है, a की पावर क्या जाएगा? n माइनस आर माइनस वन करोगे तो r प्लस वन हो जाएगा ना, और x होता है सॉरी a होता है a की पावर r, a की वैल्यू क्या दिया यहां 2x, r है तो r माइनस वन यहां लिखना पड़ेगा ना r के लिए। अब जरा करो, अब NCR में नहीं दिया है, इसका मतलब NCR को एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। NCR का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा दोस्त बताओ? क्या आएगा? n फैक्टोरियल, बोलो ना, अपॉन नीचे में क्या आएगा? r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और ए टू पावर n माइनस आर प्लस वन और टू एक्स की पावर आर माइनस, ये है। अब जरा देखो, अगर मैं एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर ये सब आता, बीच में कहीं आता एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन फिर एन माइनस आर, ऐसे चलेगा कि नहीं? नहीं समझे कैसे? मैं लिखूं उसको, अगर n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन लिखोगे तुम डायरेक्ट, मैं यहां बताता हूं, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई? n n माइनस वन एन माइनस टू ऐसे लिखते चले जाओगे, लास्ट में जो तुम्हारे टर्म्स आते हैं क्या आता है तुम्हारा? आएगा ये थ्री टू वन करके आएगा, ऐसे कुछ वन तक करते एक्सपेंशन पूरा, इसी इसके बीच में कहीं, इसके मिड में ही कहीं, और ऑब्वियस ही बात है अगर n में से n माइनस आर प्लस वन कर रहा हूं तो जो भी वैल्यू आएगी n से छोटी आएगी कि नहीं? ये n माइनस आर प्लस वन n से छोटा आएगा, n से छोटा आएगा तो इसके एक्सपेंशन में कहीं बीच में आएगा कि नहीं? हमेशा आएगा, इसका मतलब बीच में तुम्हें कहीं मिल रहा होगा n माइनस आर प्लस टू n माइनस आर प्लस वन और क्या मिल रहा होगा तुम्हें? एन माइनस आर, सारे टर्म्स मिल रहे होंगे ना, ऐसे एक्सपेंशन जा रहा होगा। लेकिन इसके बाद के टर्म्स तो इसमें भी मिल रहे हैं ना, इसके बाद के टर्म तो इसमें भी मिलेंगे, इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में इसके बाद जितने टर्म्स आएंगे सारे सारे इससे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसका मतलब इसके पहले के जितने टर्म्स हैं इसके एक्सपेंशन में वही बचेंगे। इसके पहले के टर्म्स कौन कौन से बचेंगे? एन n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस आर प्लस टू तक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही n माइनस आर प्लस वन बचे तो यहां से x का क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे r माइनस वन फैक्टोरियल है, r माइनस वन फैक्टोरियल भी।
तो बचेगा यहां फाइनली तुम्हारा क्या, देख लो, तो फाइनली आ जाएगा इसमें n, n माइनस वन, n माइनस टू, एक्सपेंशन होता जाएगा ये n माइनस आर प्लस टू तक जाएगा, और ये r माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहां है एट द पावर n माइनस आर प्लस वन और 2x की पावर r माइनस वन। इतनी सी बात है, तो ऑप्शन ए ही आपका, बी शायद क्या है, बी ही क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या हो गया आप करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन और करा दें, डबल डिजिट में आ जाए 10 तो बस। क्वेश्चन नंबर 10 यही है, देखो जरा, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स द होल पावर टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस 10 विल बी, एक्स की पावर माइनस 10 की बात हो रही है, इसका मतलब जो भी एक्स की पावर आएगा उसको इक्वल टू में क्या दिखाना है अपने को, तो पहले यहां से ना, जैसे माइनस 10 की बात हो रही है तो पहले तुम निकालो कि वो कौन सा टर्म होगा, तब तुम्हें वहां से आर पता चलेगा, आर पता चलेगा तो वहां से इसका क्या निकाल पाओगे, फिर कोफिशिएंट निकाल पाओगे। निकालो क्या होगा, क्वेश्चन और आ जाएगा आपका, आ जाएगा। लगाओ इसमें भैया आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला लगाओ, माइनस तो है नहीं, तो एन सी आर पावर एन माइनस आर एट द पावर आर, जो जहां जिसके प्लेस में दिया वही यूज कर लो, लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा NCR ही लिखो, x के प्लेस पे 1 अपॉन a अपॉन x है तो a अपॉन x लिखो, a बाय x की पावर n के प्लेस पे 12 रखना है दोस्त, n के प्लेस पे क्या रखो 12 रखो तुम, तो ये हो जाएगा 12 माइनस आर, ए के प्लेस पे क्या है बी एक्स, बी एक्स की पावर क्या हो जाएगा फिर आर। अब ये जो पावर दिया है ना एक्स की पावर माइनस 10 है, मतलब यहां एक्स की जो भी पावर आएगी उसको माइनस 10 के इक्वल कर रहा है, ये समझ रहा है अपने, ठीक है भाई, तो एक्स की पावर क्या आएगी पहले ये देखो यहां से फटाफट जल्दी से चेकआउट करके बताओ, 12 सी आर a की पावर 12 माइनस आर ये आएगा, सीधे लिख लो, c की पावर सीधे r आ जाएगा, और x की पावर यहां 12 माइनस आर है यहां r है, तो भैया नीचे आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा लेकिन r प्लस हो जाएगा, x की पावर बेसिकली यहां जाएगा 2r माइनस का 12, देखो ठीक है ना, यहां जो x की पावर दिया है RHS में जिसको हमें इक्वेट करना है इसको किसके इक्वल करना है माइनस 10, तो 2r माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 10 होगा, तो निकालो भैया रखो इसको,
टू आर माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। यहां से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा माइनस का 8, माइनस का 8 बाई 2, माइनस का 8 बाई 2 का मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 4 आएगा कि माइनस का 4 आएगा, टू आर माइनस 12, अच्छा माइनस 12, हाँ अरे माइनस 12 है उधर जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2 होगा तो r की वैल्यू 1, तभी मैं कहूँ r निगेटिव कैसे आ गया, एक्चुअली थोड़ा रुक रुक के चल रहा है कहीं कहीं ना मिस कर दे रहा, ये कितना आ गया 1 आ गया, r की वैल्यू 1 आ गई। अब r की वैल्यू भैया 1 रख दो तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, देखो जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट तो ये है ना पूरा, जब हम कोफिशियंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कोफिशियंट तो पूरा ये हुआ ना x को छोड़कर, अब रखो यहां तो क्या हो जाएगा 12c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 ही आ जाएगी, तो आ जाएगा 12c1 a टू द पावर 11 और b टू द पावर 1 ही आएगा, b ही रखें सिर्फ, ये तो लिख जा 12c1 की वैल्यू 12 ही होगी, तो 12 a टू द पावर 11 और सिर्फ क्या आएगा यहां, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, क्लियर है ना बात, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, एक अप्रोच डेवलप करो और हर एक क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे उसको डील करना है, ठीक है, और फॉर्मूले बहुत याद होने चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत ठीक होनी चाहिए तभी सही तरीके से इसको कर पाओगे, ओके। आज इसको यहाँ तक रखें हम लोग, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्या प्रॉब्लम होगी उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले वो आइडियोलॉजी डेवलप करो आप, फिर मेन एग्जाम की क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट जम्प करेंगे तो आपको लगेगा यार अब अपने से नहीं हो पाएगा, ये सब अपनी बस की बात, पहले वो आइडियोलॉजी वो थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप करिए फिर उसमें आएंगे फिर हो जाएगा, ठीक है, डन।